एक और बड़ी अपडेट, ईरान के राष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान दिया, इजरायली अपराधों में यूएस की मिलीभगत है, यूएनएससी से शांति बनाए रखने की उम्मीद नहीं है। देखिए ईरान के राष्ट्रपति का यह बड़ा बयान है, अमेरिका को लेकर के गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक और अहम खबर, उत्तरी गाजा में लगातार बमबारी, इजरायली सेना का रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, अस्पताल के पास एक घर पर हमला हुआ, फिलिस्तीनी मीडिया का दावा। और एक और बड़ी जानकारी, इस्तांबुल में फिलिस्तीनी समर्थकों ने हंगामा किया है, अमेरिकी फास्ट फूड चेन पर हमला, इजरायली सेना को मुफ्त खाना देने का ऐलान किया था और इसी बात का विरोध हो रहा है। और ब्रेकिंग न्यूज है, सैनिकों को नेतन्याहू का सीधा संदेश, दुश्मनों को खत्म करने का वक्त है, ये कहा है नेतन्याहू ने इजराइल के पीएम ने। का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट 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 वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा एआईजी कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हिजबुल्ला को नेतन्याहू जंगी चेतावनी, हिजबुल्ला आया तो दूसरे विश्व युद्ध जैसा हाल होगा, लेबनन को भयानक नतीजे भुगतने होंगे। और आइए आपको बताते हैं कि सैनिकों के बीच पहुंचे नेतन्याहू ने हमास और हिजबुल्ला को क्या बड़ी चेतावनी दी और इसका मतलब क्या है। नेतन्याहू का जंगी संदेश है, हिजबुल्ला आया तो दूसरे विश्व युद्ध जैसा हाल होगा, इसराइल के पीएम ने दो टूक ये कह दिया है। आगे वो कहते हैं, युद्ध में आना हिजबुल्ला की सबसे बड़ी गलती होगी क्योंकि हिजबुल्ला भी इसराइल पर हमले कर रहा है, और इस बीच ये बयान दिया गया है, युद्ध में आना लेबनन के लिए विनाशकारी होगा। नेतन्याहू कहते हैं कि ये मारने का वक्त, दुश्मनों के खात्मे का वक्त है, ये युद्ध है, अब करो या मरो वाली स्थिति है। और इसके बाद आपको बता दें कि नेतन्याहू ने जो बयान दिया उसका मतलब क्या है, मतलब यह कि बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है इसराइल, और बड़े हमले अब इसराइल करने वाला है, लेबनन के आने पर युद्ध और भड़केगा, ये दो टूक कह दिया गया बयान के जरिए। लेबनन के नाम पर मोर्चाबंदी और तेज होगी, लेबनन के बहाने दो ध्रुव बनाने की कोशिश की जा रही है, तो नेतन्याहू के बयान के यही मायने हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास के पास केमिकल हथियार होने का शक है, हमास के पास से मिले दस्तावेज से इस बात का खुलासा हुआ है कि केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है हमास, टॉप सीक्रेट इजरायली पेपर में इस बात का जिक्र है, इजरायली दूतावासों को अलर्ट किया गया है, इजरायली विदेश मंत्रालय ने अलर्ट किया है। और आइए देखते हैं कि हमास के पास केमिकल हथियार होने से जुड़ी रिपोर्ट में क्या कहा गया है, बिग वॉल पर आपको वो रिपोर्ट बताएंगे, सोर्स है इजरायली डॉक्यूमेंट, हमास के पास केमिकल हथियार होने का अंदेशा है, इस रिपोर्ट में यही कहा गया है, हथियार में साइनाइड के इस्तेमाल का शक है जो कि एक केमिकल वेपन है। इसराइल ने अपने दूतावासों को अलर्ट भी किया है इस जानकारी के साथ ही, साथ ही वॉशिंगटन दूतावास को भी सतर्क रहने को कहा गया है, यूएस तक कहा गया अलर्ट रहने को, आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने की आशंका भी जताई जा रही है जो कि इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, आईएसआईएस की तर्ज पर हमले कर सकता है हमास। तो देखिए, अगर केमिकल वेपन का इस्तेमाल होता है इस वॉर में तो युद्ध और खतरनाक हो जाएगा।